मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड स्थित विंदा गांव में मंगलवार को भूमि विवाद में अधिवक्ता के साथ जमकर मारपीट हुई। इसमें आरोपियों ने उनके गुदे में शराब की बोतल घुसा दी। इस दौरान कांच का टुकड़ा भी अंदर चला गया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। खून से लथपथ हालत में उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका दर्द से बुरा हाल है। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद SKMCH में रेफर कर दिया गया है। पीड़ित सुशील कुमार ने बताया कि उनका अपने पड़ोसी से काफी दिनों से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसे लेकर छठ में सभी लोग आए हुए थे। उसकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। मना करने के बाद उनके साथ मारपीट की और शराब की बोतल उनके मल द्वार में घुसा दी। परिजन आनन-फानन में लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। छठ महापर्व का समय है और मेरा पूरा परिवार जो बाहर में जॉब करता है, सब आया हुआ था, सब घर पे है। और जिससे हमारा जमीनी बात चल रहा है, वो अगला आदमी लगभग 10-15 आदमी मुंह हाथ बांध करके आया, और जिसमें से हम दो आदमी को पहचानते हैं, तीन आदमी को, बाकी बात सब अज्ञात था, जो मुंह पे कपड़ा बांधे हुए था। और जब तक हम कुछ पूछते, जब तक कोई बात करते, तब तक हम पे हमला कर दिया और दारू सब पिए हुए था। और हाँ, दारू का बोतल लेकर मेरे पिछवाड़े में घुस दिया, जो मेरा पूरा दर्द कर रहा, अंदर में शीशा फंसा हुआ है। और हम लोग जब तक हम हल्ला के, जब तक मेरा आदमी से जुटा, तब तक वो लोग भाग चला। और ट्रैक्टर ड्राइवर भी था, ट्रैक्टर लेके, जिसका वीडियो भी हम बनाए हैं, जो कि वीडियो मेरे पास है, सब भाग चला। मेरा जान बच गया, यही बहुत बड़ी बात है। हम कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम खुद अधिवक्ता हैं, और अधिवक्ता के ऊपर ऐसा जानलेवा हमला हो रहा है। वो लोग काफ़ी जमींदार दबंग लोग हैं, और वो लोग बोलते हैं कि साला माली जाति हो के साला, और तब यहाँ पे बसेरा करेगा साला। दिन रात आगे बढ़ते जा रहा है, हमारा अपना बिजनेस चलता, अपना सारा चीज़, और वो लोग पूरा दबंगई दबंग के साथ दबंगई दिखा के। अब वो आदमी हमारे हत्या की नीयत से, हमारे परिवार की हत्या की नीयत से, बम फेंकने की नीयत से आए थे या गोली चलाने की नीयत से आए थे, किस लिए आए थे पता नहीं। जब गाँव समाज सब हमारा अल्लाह बात आवाज़ सुन के ग्रामीण लोग जुटे, तब तक वो लोग भाग चले, तब जाके मेरा जान बचा, और अभी हम हॉस्पिटल में भर्ती हैं अभी। किस गांव का मामला है? ये बिंदा गांव का मामला है, मुसहरी थाना क्षेत्र का। हमारा खतियानी जमीन है, जो कि 161 और 162 पे विवादित जमीन, और जो हमारा जमीन है उसी पे मामला चल रहा है। और अगला आदमी दबंगई दिखाकर अपना जातिगत व्यक्तिगत झगड़ा को जातिगत झगड़ा का रूप दे रहा है, और जातिगत झगड़ा को रूप देते हुए लगातार हम लोग पे झूठा मुकदमा, झूठा केस लगातार करते रहा। आज इसी कड़ी में हम कोर्ट आने के लिए तैयार थे, लगभग 11:30 बजे का टाइम था, हम कोर्ट आने के लिए तैयार थे। हम देखे कि आखिर क्या भीड़ है भाई, कौन आदमी सब मुँह में कपड़ा बांधे हुए मेरे घर के बगल में क्या कर रहा है। हम सिर्फ उससे इतना ही पूछने के लिए गए कि आप किसके आदेश से ट्रैक्टर लेके आए हैं या कुछ भी। जब तक हम कुछ बोलते तब तक सब पकड़ा मुझे 3-4 आदमी से, और पीछे से सब जो दारू पिए हुए था, जिसमें हरी मिश्र और अंकित आनंद और एक वैदेही देवी है, ये तीनों लोग, वैदेही देवी का बेटा है हरिशंकर मिश्र का बेटा है अंकित, मेरे जो दारू पी के फुल था, हरी मिश्र भी दारू पी हुए पूरा फुल था, और मेरे पिछवाड़े में दारू का बोतल घूट दिया, जो कि मेरा पूरा ब्लड पूरा आ रहा है, अभी तक हम परेशान हैं।